कांग्रेस का भाजपा पर हमला। पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर युवक कांग्रेस ने प्रधानमंत्री का फूंका पुतला। भिंड जिले में कांग्रेस लगातार भाजपा पर आक्रामक होती चली जा रही है, चाहे बढ़ती महंगाई की बात हो या नर्सेस एसोसिएशन या आशा उषा कार्यकर्ताओं की हड़ताल। लगातार कांग्रेस की ओर से भाजपा पर आक्रामक रुख अपनाया जा रहा है। इसी के तहत आज युवक कांग्रेस के द्वारा बढ़ती महंगाई के विरोध में पहले किला गेट से गोल मार्केट तक पद यात्रा निकाली गई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पुलिस ने जब रोकने का प्रयास किया तो कार्यकर्ता पुलिस से भी उलझते दिखाई दिए। इस अवसर पर कांग्रेस के युवा नेता शिवम सेंथिया, राहुल सिंह कुशवाहा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तेल और घरेलू गैस के जो बढ़ रहे हैं, महंगाई के विरोध में हमने किया है। जिस तरीके से मोदी जी बराबर उल्टा सीधा टैक्स वसूल रहे हैं जनता से, लगभग 50 से 60 रुपए खर्चा आता है पेट्रोल डीजल में, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगा के मोदी जी अपना खजाना भर रहे हैं। किस लिए? पहले ही कोरोना महामारी में जिस तरीके से जनता पर महंगाई की मार हो चुकी है, उस बीच में उनका रोजगार छिन चुका है, और आप इस बीच में आप उनको महंगाई के मार से उनकी कमर तोड़ना चाहते हैं। कई घर ऐसे हैं जहां मुखिया उनके कोरोना की मृत्यु से उनके मुखिया खत्म हो गए, उनके घर चलने में असमर्थ हैं, और आप इस पे महंगाई की मार कर रहे हैं। अगर आप पेट्रोल डीजल की महंगाई को वापस नहीं लेते हैं, उनके दाम वापस नहीं लेते हैं, तो युवक कांग्रेस और कांग्रेस मिलकर ऐसे ही आंदोलन करेगी और करती रहेगी। चिप्पू भैया संघर्ष करो, चिप्पू सेठिया जिंदाबाद, चिप्पू सेठिया जिंदाबाद। पेट्रोल डीजल को लेकर कितना दिल हुआ है नरेंद्र मोदी का? देखिए, आप लोग देख रहे हैं पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा गति से बढ़ रहे हैं। जो लोग हैं वो अपना दैनिक जीवन पेट्रोल के माध्यम से बाइक वगैरह से उधर जाने का करते हैं, और महंगाई का जो बहुत ज्यादा बढ़ने ऊपर नीचे होने का कारण होता है वो डीजल होता है, जिससे कि भाड़े बढ़ते हैं। और आज की डेट में डीजल लगभग 100 के आसपास पहुंच गया है, पेट्रोल 110 के आसपास पहुंच गया है। ऐसी परिस्थिति में लोग अपना जीवन ठीक से नहीं गुजार पा रहे हैं। महंगाई की मार चूंकि पहले से बहुत ज्यादा चली जा रही है, सरसों के तेल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम, हर चीज के दाम बढ़ा दिए गए हैं। कोरोना काल में लोग वैसे ही अपने घरों में रहे हैं, कोई व्यापार नहीं चले हैं, लेकिन सरकार इसको ना समझते हुए सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर अपना खजाना भर रही है। लगता है गूंगी नहरी सरकार आपकी मांगों को मानेगी? और गूंगी नहरी सरकार को जगाना हमारा विपक्ष के होने के नाते दायित्व बनता है, और हम इसको जगा कर ही रहेंगे। पूरे देश में आप लोग देख रहे होंगे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, गैस के दामों को लेकर, सरसों के तेल के दामों को लेकर पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं, और ये आंदोलन इसी गति से बढ़ते रहेंगे, क्योंकि चूंकि आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम पर डे 20 पैसे 30 पैसे 36 पैसे इस तरीके से बढ़ रहे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें राहत लगे। पहले जमाने में जब कांग्रेस सरकार हुआ करती थी तब ये होता था कि दिन में एक बार बढ़ा दिए उन्होंने 2-4 महीने में 2 रुपए, लोग 2-4 दिन पहले अपनी टैंकियां फुल करा लेते। हमें तो यार यही नहीं पता कि कल सुबह उठकर क्या होने वाला है। पेट्रोल डीजल दाम बढ़ रहे हैं, कम हो रहा है, कुछ नहीं पता, और डेली डेली बढ़ा रहे हैं। इस तरीके से आम आदमी की कमर टूट जाएगी। क्या आगे आगामी चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? आगामी चुनाव में निश्चित तौर पर जनता इसको इनका माकूल जवाब देगी, और केंद्र से और राज्य से मोदी और शिवराज सरकार की भगाने को काम करेगी। ये जनता के ऊपर है कि वो इनको माकूल जवाब दे। देखो मोदी तरफ से पुलिस। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।